इंदौर के रेवेन्यू नगर में राष्ट्रीय परशुराम सेना की इंदौर इकाई ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 से अधिक समाज सेवियों का सम्मान किया गया। कोरोना काल में निर्भीक होकर समाज सेवा करने पर रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इंदौर के रेवेन्यू नगर में राष्ट्रीय परशुराम सेना की इंदौर इकाई ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 से अधिक समाज सेवियों का सम्मान किया गया। कोरोना काल में निर्भीक होकर समाज सेवा करने पर रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदीप वर्मा का भी विशेष सम्मान किया गया। प्रदीप वर्मा ने कोरोना काल में 101 शवों का अंतिम संस्कार किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब अपने अपनों को कंधा नहीं दे रहे थे, तब वर्मा उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसके साथ ही रतलाम, झाबुआ, नीमच और इंदौर के 50 से अधिक समाज सेवियों को प्रतीक चिन्ह एवं शॉल श्रीफल से विभूषित किया गया। जी नमस्ते। आज का यह जो कार्यक्रम है, यह अक्षय तृतीया जो 3 मई को आने वाली है, उसको लेकर हमने यहाँ रखा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय परशुराम सेना इंदौर इकाई द्वारा आयोजित किया गया है। उत्कृष्ट सेवा सम्मान, जितने भी समाज सेवियों ने इंदौर शहर में रहकर जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी संस्थाओं का, उन व्यक्तियों का यहाँ एक सम्मान समारोह हमने यहाँ रखा। वे सभी यहाँ आए और हमारे माननीय अतिथियों ने उनका स्वागत किया। इस सम्मान समारोह में हमारा एक उद्देश्य था कि सभी मिलकर यहाँ पर आए और उन सेवा सम्मान वालों को देखें और अपने उनसे मार्गदर्शन लें कि कैसे हम भी आगे बढ़कर समाज की सेवा कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री परशुराम समस्त समाज के भगवान हैं और वे हमें यह ज्ञान देते हैं, यह मार्गदर्शन देते हैं कि हमें अपने ज्ञान के साथ साथ समाज की सेवा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ आज सभी समाजजनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय परशुराम सेना इंदौर इकाई ने यहाँ पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। राष्ट्रीय परशुराम सेना इंदौर इकाई के द्वारा आज उत्कृष्ट सेवा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके तहत हमने प्रदेश के उन सभी गणमान्य लोगों का स्वागत रखा है जिन्होंने कोरोना काल में और उसके बाद भी सतत जो है हिंदू हित के लिए और मानव सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। ऐसे 50 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है और आज हमने उनका सम्मान किया है। उसके साथ ही इंदौर जैसे स्वच्छता के मामले में स्वच्छता का पंच उसने लगाया है, तो उसके लिए जो सफाई कर्मी है, तो ऐसी 5 महिला सफाई कर्मियों का भी हमने यहाँ स्वागत किया गया है। इसमें सभी धर्म वर्ग के लोगों को हम एक साथ एक मंच पर लाए हैं और राष्ट्रीय परशुराम सेना इंदौर इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे इंदौर की कार्यकारिणी, प्रदेश के पदाधिकारीगण आज उपस्थित हैं और समाज के गणमान्य लोगों के बीच में हमने ये आज आयोजन रखा गया है। मैं चंद्र प्रकाश पुरोहित, राष्ट्रीय परशुराम सेना मध्य प्रदेश कानूनी सलाहकार।